जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। पूरे 29 साल बाद एक खास संयोग का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल 14 जनवरी दोपहर 2:30 पर ब्रह्मांड के अधिनायक सतराचल जगत की आत्मा, जिनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, वह सूर्यदेव महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। और यह परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि शनिदेव का अपने पिता सूर्य के साथ 29 बाद मिलन होने जा रहा है। सूर्य शनि का जब भी दुर्लभ योग बनता है तो वह महापरिवर्तन लाते हैं। साथ में ग्रहों के राजा सूर्य का स्वागत शनि के साथ बुध भी मकर राशि में करेंगे। इस तरह 14 जनवरी को त्रिग्रही संयोग बनेगा, जिसके कारण देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। मौसम में गर्माहट आने लगेगी, देश में सफेद वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, सोने के दाम में गिरावट होगी। पश्चिम के देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो गए तो पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक ठाक हो जाएंगे। दुनिया भर में फैली महामारी 2 महीने के अंदर भारी गिरावट हो जाएगी। बड़ा राशियों पर भी अलग अलग असर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा असर आपकी राशि मीन राशि पर पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जय भाव के लोड होकर लाभ भाव आय भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि यश भाव पर, त्रिपाद दृष्टि आपके धन भाव और जय भाव पर पड़ रही है। इसके ही कारण 29 बाद शनि बुध और सूर्य के मिलन से आपके यह कार्य होकर रहेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव से इस अवधि में जहां आपकी आकांक्षाएं इच्छाएं पूर्ण होती नजर आएगी तो आप अपरिहार्य द्वंद विवादों पर अपराजय होंगे। पारिवारिक दबाव की विपरीत परिस्थितियों से भी आप उभर जाएंगे। कानूनी लड़ाइयों विवादियों का आश्चर्यजनक तरीके से आपके पक्ष में निपटारा होगा, तो महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा के योग बन रहे है। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव से ही इस बार शत्रु की बुद्धि का हनन होगा। कार्य व्यवसाय में हो रही बाधाएं नष्ट होगी। आपके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, तो इस वक्त शादी के लिए भी प्रपोजल मिल सकता है। मीन राशि के विद्यार्थियों के पिछले समय के बीते दिनों में जो परेशानियां आई थी बहुत दूर हो जाएगी। इस वक्त आपकी एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण अब जॉब इंटरव्यू एवं प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहेंगे। लव लाइफ में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं थी बहुत दूर हो जाएगी। जीवन साथी से अलगाव की स्थिति दूर हो जाएगी, जिसका हिलाव आपको कार्य क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य की संक्रांति के चलते आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, जिसके कारण अब छोटे भाई बहनों के साथ या फिर दोस्त एवं किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग के साथ मिलकर कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 14 जनवरी से ही व्यक्तिगत स्तर पर आमने सामने की मुलाकात वाले संचार में व्यस्त रहेंगे। आपके व्यवसायिक क्षेत्र में पहले वाली उलझन समाप्त हो जाएगी। आपकी जबरदस्त कोशिश से दीर्घकालीन योजनाएं आपको लाभ पहुंचाएगी। यदि आप नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, लोन के आवेदन मंजूर हो सकते हैं, शासन प्रशासन से जुड़ी मंजूरी मिल सकती है, तो इस गोचर काल में सूर्य की स्थिति के चलते आपको राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ लाभ मिल सकता है। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें इस वक्त गुप्त एवं आकस्मिक धन लाभ होने का योग बन रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा में बिजी होना चाहते हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। जो कारोबार कर रहे हैं, खुद का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी पुराने एवं नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आयात निर्यात, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी एवं फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, तो आप बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। इस वक्त विदेशी स्रोतों से भी आप जमकर धन लाभ कमा सकते हैं। स्थायी संपत्ति की खरीद फरोख्त से भी आय हो सकती है, तो शेयर बाजार में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। मकान जमीन की दलाली से लाभ हो सकता है, वहाँ पर आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। छोटी बड़ी विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो शिक्षा प्राप्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु विदेश जाने के प्रयास में थे, उन्हें इस वक्त जाने का अवसर प्राप्त होगा। इच्छा स्थानांतरण का भी योग बना हुआ है। दोस्तों, कुंडली में 11वें भाव में सूर्य आपको धनी, सुखी, बलवान, स्वाभिमानी, पुत्र से, पत्नी से लाभ देता है। साथ में अनायास संपत्ति की भी प्राप्ति करवाता है, जिसके कारण जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मिलेगी। जो अपने लिए जमीन मकान लेना चाहते हैं उनका सपना पूरा होगा। जो अपने घर के पास जाकर कार्य करना चाहते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। जो अपनी मनस्थिति अपने प्रियजनों को कहना चाहते हैं उन्हें अवसर मिलेगा। यहाँ तक आपका प्रपोजल स्वीकार भी किया जा सकता है।
परिवार से उलझे हुए संबंध मनमुटाव स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मित्रों की तरफ से सहयोग बना रहेगा तो मित्रता में घनिष्ठता और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। दोस्तों, व्यक्ति की कुंडली में शुभ या अशुभ योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, खास करके जो लंबे समय से खराब आर्थिक हालातों से गुजर रहे हैं, उनकी तंगी दूर हो जाएगी। करियर, व्यवसाय, व्यापार को लेकर जल्द ही कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। खास करके इस समय आपके जीवन में नए प्रेम व व्यक्ति का आगमन हो सकता है। अजनबी से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में प्यार और रोमांस के अद्भुत अवसर प्रदान करेगी। फिर भी इस माह में वायु व गैस की समस्या ही रहेगी। मौसम एवं संक्रमण संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। संक्रमण से निजी जीवन में उलटफेर हो सकता है। बड़े कार्य, बड़े निवेश से पहले कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, वरना धन हानि हो सकती है। तत् महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदत्त।